नगर निगम चिरमिरी में मतदान केंद्रों को चिन्हांकित कर प्रथम चरण मतदान प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिससे चुनाव में मतदान के समय किसी तरह की परेशानी ना हो और मतदान प्रत्यक्ष तरीके से हो सके। साथ ही जागो कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का रखा गया, जिससे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक हो। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही जिले के आला अधिकारी भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में लग गए, जिससे अधिकारियों की तरफ से कोई कोर कसर न रह जाए। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जाएगा, जिससे अधिकारियों और मतदान कर्मी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए नगर निगम चिरमिरी सभी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र का गठन किया, जिसका अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया। नगर निगम चिरमिरी में चिन्हांकित मतदान केंद्र है, जिनका आज प्रथम चरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पूरे मतदान के दौरान कौन कौन सी चीजें करनी है पूरी प्रक्रिया बताई गई। मतदान प्रशिक्षण का आयोजन कई चरणों में होगा, जिसमें मतदान केंद्र को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, उन्हें मतदान केंद्र में किसी तरह की परेशानी ना हो और मतदान निष्पक्ष तरीके से हो सके। साथ ही जागो कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ चुका है, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे निगम ही नहीं जिले के शत प्रतिशत मतदान हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया। आज चिरमिरी नगर निगम अंतर्गत जो चिन्हित मतदान दल है उनका प्रशिक्षण प्रथम चरण का आज रखा गया। प्रशिक्षण में उन्हें ये बताया जाएगा कि पूरे निर्वाचन के दौरान मतदान दल को कौन कौन सी चीजें करनी है, पूरी प्रक्रिया जो है मतदान की, इसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। और उसके बाद कई चरण में प्रशिक्षण उनको देंगे। प्रशिक्षण होने के पश्चात उन्हें तैयार किया जाएगा पूरे निर्वाचन के लिए, ताकि वो किसी प्रकार की गलती निर्वाचन प्रक्रिया में ना करें और पूरे निर्बाध तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो, इसकी उन्हें पूरा प्रशिक्षण।